नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो स्कैमर हमेशा इन्वेस्टर्स को धोखा देने और उनकी डिजिटल एसेट्स को चोरी करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। इसमें फिशिंग घोटाले, पंप और डंप योजनाएं और मैलिशियस क्रिप्टो एक्सचेंजेस को डिजाइन करना भी शामिल है। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउड सेक की नई रिपोर्ट से पता चला है कि नकली क्रिप्टो एक्सचेंजेस घोटाले में भारतीय इन्वेस्टर्स के साथ 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। क्लाउड सेक ने हाल ही में कई फिशिंग डोमेन और एंड्रॉइड बेस्ड फेक क्रिप्टो एप्लीकेशन से जुड़े ऑपरेशन का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पर हो रहे कैंपेन में अनजाने व्यक्तियों को एक बड़े गैम्बलिंग स्कैम में लुभाया जा रहा है। साथ ही इनमें से कई फर्जी वेबसाइटें कॉइन एक जैसे लेजिटमेट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इम्पर्सनेट करती है। कंपनी ने कहा कि एक विक्टिम ने उनसे संपर्क किया था, जिसने कथित तौर पर एक नकली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज घोटाले में 50 लाख रुपए यानी कि करीब $64,000 खो दिए थे। अब बात करते हैं कॉइन एक घोटाला किस तरह से काम करता है। क्लाउड सेक रिसर्चर्स की जांच में पाया गया कि कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी घोटाला मल्टीपल फेजेस में थ्रीट एक्टर्स द्वारा किया गया था। कंपनी ने कहा वे ऑफिशियल वेबसाइट के डैशबोर्ड और यूजर इंटरफेस की नकल करके लेजिटमेट कॉइन एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आ रहे हैं। द प्रीमाइस इज सिंपल, एक फेक वेबसाइट जो कि एग्जैक्टली कॉइन एक की तरह दिखती है, जिसे फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनलों के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। स्कैम में यूजर्स को $100 के गिफ्ट वाउचर का लालच दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे तब जमा करना है जब यूजर्स कुछ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। एक्सचेंजेस पर फंड रजिस्टर और डिपॉजिट करने पर थ्रीट एक्टर्स कॉइन एक VIP वॉलेट में अमाउंट को फ्रीज कर देते हैं और यूजर्स को इसे रिट्रीव करने से रोकते हैं। स्कैम में जो यूजर्स अपने एसेट्स खोने की शिकायत करने के लिए अन्य प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, उन्हें हैकर्स द्वारा ईमेल के माध्यम से अपनी बैंक ID कार्ड और डिटेल्स प्रदान करने के लिए संपर्क किया जाता है। फिर इन डिटेल्स का उपयोग मल्टीपल फेक फिशिंग एप्लीकेशंस को अंजाम देने के लिए किया जाता है। बता दें कि वेब पर कई फेक फिशिंग एप्लीकेशंस भी प्रचारित किए जा रहे हैं जो कि कॉइन एग होने का दावा करते हैं। वहीं रिसर्चर्स ने नोट किया कि इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉलेशन पर अनवांटेड परमिशंस की आवश्यकता होती है, जिसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर मैलिशियस के रूप में रिपोर्ट की जाती है। रिसर्चर्स ने कहा कि थ्रीट एक्टर्स अब तक कई नकली कॉइन एग डोमेन बना चुके हैं ताकि इनमें से किसी भी डोमेन को हटाने से उनके मैलिशियस कैंपेन पर असर न पड़े। वही जब थ्रीट एक्टर्स पकड़े जाते हैं तो वे डोमेन स्विच करते हैं ताकि स्कैम का पता न चले। तो क्लाउड सेक ने एडवाइस दिए कि ऐसी फिशिंग वेबसाइट की पहचान करना और बाद में उन्हें सस्पेंड करना ऐसे घोटाले के खतरे को कम करने का सबसे तेज तरीका है। साथ ही कहा कि साइबर क्राइम सेल को फिशिंग कैंपेन की रिपोर्ट किया करें और उन्हें थ्रीट एक्टर्स के बारे में सभी डिटेल्स प्रदान करें। तो अब देखते हैं फिशिंग वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कुछ क्विक टिप्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, चेक द URL, मतलब आपकी वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से चेक करें। क्या ये ओरिजिनल वेबसाइट जैसा एड्रेस है या वही एग्जैक्ट एड्रेस है, क्योंकि फिशिंग साइट्स वेल नोन वेबसाइट के नाम से अल्फाबेट चेंज कर देते हैं या नंबर ऐड कर देते हैं, या फिर हो सकता है .org की जगह .com ऐड कर दे। सो मेक श्योर URL एड्रेस में कोई गड़बड़ी न हो और फिर देखे कि वेबसाइट के आगे https:// या shtps:// लिखा होना चाहिए। यह इंडिकेट करते हैं कि वेबसाइट इंक्रिप्टेड और SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट के साथ सिक्योर्ड है। सेकंड, वेबसाइट के कंटेंट को बारीकी से ऑब्जर्व करें। सब स्टैंडर्ड फिशिंग वेबसाइट्स की इमेजेस और लैंग्वेज भी सब स्टैंडर्ड होती है, समटाइम्स स्पेलिंग और ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी होती है। थर्ड, थिंक अबाउट योर जर्नी, मतलब कि आप इस वेबसाइट तक कैसे पहुंचे। क्या आपने डायरेक्टली इस वेबसाइट का नाम टाइप किया है या आप किसी मेल या मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट तक पहुंचे हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर 99 ईमेल्स में से एक ईमेल फिशिंग अटेम्प्ट होता है। फर्जी फिशिंग वेबसाइट से बचने का बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी लिंक पर क्लिक ना करें, बल्कि खुद वेबसाइट की URL टाइप करने के बाद जब आप वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी से सेटिस्फाई हो जाए तो ही उसे बुकमार्क कर ले। इन टिप्स को फॉलो करने से आप फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेट करने वाले स्कैमर्स के जाल में नहीं फंसेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो जगत में होने वाले ऐसे स्कैम्स और क्राइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।